मेरी बहन लक्ष्मी कुछ दिनों से कौन है तू? तुझे नहीं पता क्या? तू अपना नाम बता। मेरी। तेरा नाम मेरी नहीं है, लक्ष्मी है। हाँ मैं मेरी लक्ष्मी हूँ। मैं अपने साथ अपने फ्रेंड को ले जाऊंगी। तू मर चुकी है, लक्ष्मी अभी भी जिंदा ही है। वो तेरे साथ नहीं जाएगी। ले जाऊंगी। लक्ष्मी मेरी जान है। साथ में बड़े हुए, साथ में खेले कूदे, जब तक जिंदा थी वो मेरे साथ थी, तो मेरे मौत के बाद भी वो मेरे साथ रहेगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब डरने की जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ, आत्मा को कैद कर लिया है। वैसे तो जिंदगी में मैं कई बार फ्लाइट में बैठा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल के पास जा रहा हूँ। बाय द वे, मेरा नाम सात्विक है और मेरे दिल का नाम निशा है। मेरी निशा लास वेगास में टूरिस्ट गाइड है और मैं न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्यार में हमें मिला दिया, लेकिन प्रोफेशन की वजह से हम एक दूसरे से दूर हैं। मैं लास वेगास में जॉब करने के लिए काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों को शादी करके अगर साथ रहना है तो हमें एक ही जगह रहना पड़ेगा। तभी किस्मत ने साथ दिया और मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, वहीं वेगास में। तो दोस्तों, मेरी खुशी आप लोग खुद ही देख सकते हैं। वेलकम टू वेगास यार। थैंक यू यार। क्या यार, तुझे रिसीव करने के लिए तेरी निशानी है क्या? तेरे आने की बात लाइटली ली होगी। हाँ यार, जानबूझ के मैंने उसे इन्फॉर्म नहीं है क्या? उसे सरप्राइज देना था मुझे। By the way, अनीता कैसी है? अच्छी है यार, तुझे कुछ अकेले में बताना? अरे बताना यार। She is pregnant. Wow! Congratulations भाई, congratulations. Thanks यार. डॉक्टर ने क्या कहा? कितने महीने में खुशी मिलेगी? यही कोई 2-3 महीने, अचानक से बुलाऊंगा तुझे। Good. वैसे हमारा सुब्रमण्यम स्वामी सुब्बू कहाँ है? अभी अमावस्या चल रहा है, इसीलिए उसके गुरु ने बाहर निकलने के लिए मना किया है, तो वो घर पर ही है। तो इसका मतलब अभी तक बदला नहीं है वो? बदल गया ना, बहुत बदल गया। पहले वो अपने गले और हाथ में ताबीज बांधता था, अब उससे जो मिलता है उसको भी बांध देता है। हाँ यार, उसका पागलपन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। एक दिन उसके घर पे कोई आ गया था, उसके भी 4 ताबीज बांध दिए। बिल्कुल, तुम्हारे पास आने से पहले उसने तुम्हारे ऊपर मंत्र फूंकने के लिए नींबू भी दिया है। चलो, लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। उसके पागलपन से तो हम परेशान हो गए हैं भाई। लास्ट टाइम तुम्हारी शादी में आया था तो ठीक से, यू नो, आई डिडंट फाइंड टाइम। दिस टाइम वी हैव टू प्रिक आउट डूड। हाँ भाई, ये वेगास है। ये शहर कभी नहीं सोता। या तुम यहाँ पर कहीं भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर कैसीनो है, डांस क्लब है, स्ट्रीट क्लब है, मसाज पार्लर है, रोमांस है, कुछ भी कर सकते हो यार। और यहाँ की सबसे खास चीज मालूम है? यहाँ का वातावरण बहुत मस्त रहता है। ए, अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो ये पापियों के लिए पुण्य क्षेत्र है। वाओ, सही बोला भाई।
क्यों भाई, मैंने सुना है कि तूने और सुब्बू ने मिलकर के बहुत बड़ा विला सेटअप किया है। हाँ ये बात तो है, डॉक्टर राव नाम से यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत पैसे कमा चुके हैं, अब इंडिया को टेक केयर करने के लिए गए हैं, घर का टेक केयर करने के लिए हमें दे दिए। तो मैटर ये है, उसका आना मुश्किल है तो इस घर को अपना ही समझो। ऑफिशियली है, घर के पेपर्स नहीं है बस। तू मामूली इंसान नहीं है भाई। अरे सात्विक, यही है वो घर। वाओ, ये तो कमाल का है यार। चल यार। चलो दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ ओके। अंदर सुबह पता नहीं क्या कर रहा होगा, भगवान ही जानते हैं। ए रुक यार, मैं निकालता हूँ। कोई बात नहीं यार। अरे बाप रे, बहुत भारी है यार। अरे ये मुझे दे, ये तू पकड़। तू भी ना अजीब है। ठीक है यार चल। अरे आ ना यार, बाहर क्या देख रहा है, चल अंदर, बहुत कुछ है देखने के लिए। ए सुबू, अरे भाई कैसा है मेरे दोस्त? एक मिनट पीछे हट, पहले पैर धोकर आओ फिर अंदर आना। भाई अभी पैर क्यों धोए? अरे यार उससे पूछेगा कि पैर क्यों नहीं धोए तो बहुत लंबी स्टोरी सुनाएगा, उसकी स्टोरी सुनने से अच्छा है पैर धोकर आते हैं। चल आजा। सिंगल पीस है भाई ये। क्या सात्विक कैसा है? हेलो, अरे हटना। अरे चल हट। क्या यार आते ही गुस्सा। तूने कैसा गेटअप लिया है, तांत्रिक बन गया है क्या तू? अरे यार आज अमावस्या है ना, टीका लगाने से कोई भूत पास नहीं आता यार। तेरा गेटअप देख के जितने भी भूत है ना सब ऐसे ही डर जाएंगे। ए, तू अभी भी भूतों पे विश्वास नहीं करता क्या? करता है ना यार, जब देखेगा कर लेगा। ओके सात्विक चलता हूँ, अनीता इंतजार कर रही है, बाद में मिलता। बाय बाय। अनीता को मेरा हाय बोलना, तुम खुद आकर कहना। ओके चलो भाई लोग। यार संडे खाने पर आना। पक्का आऊंगा, मस्त चिकन करी बना। एक मिनट यार, आज गुरुवार है और अमावस्या भी है, खीरे की सब्जी और इमली की करी बना। अरे खीरा से नजर उतारी जाती है और इमली की चटनी बनती है, और वैसे भी सब्जी में नमक देखते हैं यार, अमावस्या नहीं। जा जल्दी कॉफी बना कर ला। चीची, घर का सारा काम ये करता है और अपना काम मुझसे करवाता है। ये लो दोस्तों कॉफी। भाई गुरुजी को प्रसाद चढ़ाना है, थोड़ा सा हलवा बना देते तो। ए, जा रे। भाई प्लीज यार। हे, वो इंडिया वाले बाबा को छोड़ा नहीं? इसको नहीं छोड़ा। तू चुप कर, एक काम कर, गुरुजी की फोटो है ना वहाँ जाकर हाथ जोड़ ले। पक गया क्या ये? नहीं उन्हें मौत नहीं आ सकती। सही बात है, उसको मौत नहीं आएगी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मौत नहीं आएगी उसे। मैं खुद ही इंडिया जाऊंगा और उसे अपने हाथों से मार डालूंगा, एक मुसीबत टल जाएगी। हंस लो यार हंस लो, तुम उन पर हंस रहे हो और वो देखो कितने शांति से मुस्कुरा रहे हैं, ये उनकी महानता है। This is the most beautiful place in Vegas. Very good, बेटी। लेकिन तुम हिंदी में बात करती हो इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है, पर अब तुम इंग्लिश में बोल रही हो ये भी बहुत अच्छी बात है। Sorry sir, ये Mount Charleston है, शहर का खूबसूरत पहाड़। Very good, बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? निशा। निशा, Very good, बेटी। तो तुम्हारा घर कहाँ पर है? गुड़ीवाड़ा। Very good, बेटी। गुड़ीवाड़ा में रहती हो क्या? मेरी बीवी भी गुड़ीवाड़ा में ही पैदा हुई थी। मुझे बात करने देंगे? श्योर। वेरी गुड बेटी, तो बोलो। ये माउंट चार्ल्सटन है। मेरा नाम साई मूर्ति है बेटी। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है और जिंदगी में कभी करूंगी भी नहीं। तो फिर गुड़ीवाड़ा की लड़कियाँ? सुनिए, मुझे इस जगह के बारे में बताने देंगे या आप गुड़ीवाड़ा के बारे में बताएंगे? Who's that? गेस करो। Who? साथ भी? सोचा था ये हिंदी में बात करेगी लेकिन ये तो हमें इंग्लिश फिल्म दिखा रही है। चलो यार चलो, कोई दूसरा गाइड ढूंढते हैं। कैसे हो तुम? कब से नहीं मिले? बहुत अच्छा हो, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? तुम वेगस आ रहे हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरा सरप्राइज खत्म नहीं हो जाता? पहले तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा बोलती हो, दोबारा बोलो। नो, जनरली लड़के लड़कियों की खूबसूरती पे फिदा होते हैं लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे फिदा हूँ। कुछ बातें तो तुम कमाल की करती हो, एक बार बोलो ना। प्लीज 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 एक बार। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? निशा, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या? स्टूपिड, तुम बदल गए हो। सॉरी सॉरी यार। हाँ नहीं तो एक चुम्मा दे सकती हो? ये मुझसे पूछ रहे हो? आकर इतने घंटे हो गए और कितना वेट करना पड़ेगा? ऑफिस से मैंने परमिशन ले लिया है, अनीता के साथ किसी को तो रहना होगा, इसीलिए घर से ही काम करने की सोचा। हाँ, गुड।
से कम घर में तो हिंदी चैनल लगाओ। घर के बाहर तो वैसे ही अंग्रेज लोग इंग्लिश में जान खाते हैं, घर में भी इंग्लिश सुनना पड़ रहा है यार। बैर पड़ता हूँ यार, हिंदी चैनल लगाओ। क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं। Hey! भाई भाई मेरा नींबू सूख गया यार। अरे ये तो कब का सूख गया था ना यार। देखो भाई ये बहुत सीरियस मैटर है, मजाक मत करो। कैसा सीरियस? नींबू कभी ना कभी तो सूखेगा। ये मामूली नींबू नहीं है यार, 1,00,000 रुपए खर्च करके गुरुजी से मंत्र फकवाया था मैंने, इसका सूखना अपशगुन होता है। अच्छा हुआ भाई ये सूख गया, उनको पता चल गया ना तो तुझे 1,00,000 का फटका। अरे सुबह हम लोग तो यू ही मजाक कर रहे थे, पर इस नींबू के सूखने से और नारियल के फूटने से तू इतना क्यों डर रहा है? ये गलत है। ये ले, मुझे गुरुजी को अर्जेंट फोन करना होगा। देखा ना, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे गुरुजी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या करूं? अभी वो तेरा फोन नहीं उठाएगा, तूने जो पैसे दिए थे वो लेकर दोनों सेटअप करके आराम से सोया होगा। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं। मारूंगा तुझे, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तेरा? देख तुझे विश्वास नहीं है तो चुप रहे, मुझे तो डर लग रहा है गुरुजी। हे सुबह, ये सही नहीं है। मैं तिलक नाम के तांत्रिक को जानता हूँ, उसी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय तो बता ही देगा। क्या यार दीपू, तू भी बेवकूफों जैसी बातें। नहीं यार, हमें जो दिखता है उतनी ही दुनिया नहीं है, जो नहीं दिखता ऐसी भी दुनिया है। भगवान का होना अगर सच है तो ये सब भी होना सच है। ए सुबह, कल सुबह 10 बजे का टाइम ले लेता हूँ, तू तैयार रहना। ये सब क्या है यार? दीपू तू सही कह रहा है, इसको उसके पास लेकर चलते हैं, इसको विभूति लगाकर ताबीज बांध देगा, इसके मन को भी शांति और हमें भी शांति। मतलब ये है कि सुबह ने बहुत हंगामा किया। हाँ यार। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे भूत पसंद है। हाँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो ना, इसलिए मैं तुम्हें अभी ऑमलेट खाओगे? रहने दो, इतनी तकलीफ क्यों करोगी। हे, कोई बात नहीं, फ्रिज से अंडे निकालो। ठीक है, मुझे दो। सात्विक, मेरे हाथ में थोड़ी चोट है। अच्छा? तुम ऑनियन काट सकते हो? तुम्हें सॉल्ट पेपर जितना चाहिए उतना डालकर अच्छे से मिला लो। ओके? हाथ में एप्पल है, चूल्हे पर पैन चढ़ा दो ना तुम। ऑयल ज्यादा या कम? थोड़ा सा। ओके, डाल दो। अब हटो। किस लिए? ये लो, ये है निशा का तुम्हारे लिए बनाया हुआ लव ऑमलेट। खाओ। अच्छा। कैसा है? मैं जानता हूँ वैसा ही है। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही शैतान हो गई हो। अभी थोड़ी ही हूँ, शादी के बाद और हो जाऊंगी। वैसे हम शादी कब कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी है ना निशा, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कोई चाहिए, इसलिए जल्दी करना चाहता हूँ। हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे खूब सारे बच्चे होंगे। टू मच। बच्चों के नाम पे टू मच क्यों बोल रही हो तुम? नहीं है क्या? देखो सात्विक, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारा सारा प्यार मेरे लिए। बच्चे पैदा होने के बाद तुम मुझे साइड में फेंक दोगी। अच्छा बताओ, बच्चों का पागलपन कब से सवार हुआ? ये पागलपन क्या है? देख लिया ना, बच्चों का टॉपिक आते ही देखो कैसे चिल्लाने लगे मुझ पे। हे निशा, सॉरी। सॉरी बोला ना बाबा, स्माइल स्माइल। सॉरी। हाय यार। हे हाय। हाय सुबह, क्या बात है, इसे क्या हो गया? वैसे तांत्रिक ने क्या बोला? कुछ नहीं यार, हमें लगा कि कुछ हुआ है इसे, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ है। भाई तुम चुप रहो, वो क्या जानता है, उसके मुंह में जो आया बक दिया, इसको क्या पता। क्या हो गया इसे? यार एक बात बता, आज के जमाने में लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं क्या? क्रेजी यार। और भूतों के बारे में पता लगाने के लिए तांत्रिक, ये हद नहीं हो रही है। वैसे तू इन बातों को कैसे मान लेता है? उन्होंने भी ऐसा ही कहा, सुबह के जैसे मानसिक रोगी आजकल यहाँ पर बहुत बढ़ गए हैं। दरअसल इनको कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी नाटक करते हैं, और ऐसे ही लोगों की कमजोरी का पाखंडी बाबा लोग फायदा उठाकर मजा करते हैं। कम ऑन यार। हे भाई, आज तू गया मेरे हाथों से।
ए भाई, रात को 7 बजे अलार्म लगाने को बोला था ना? हाँ बोला था। तो भाई 9 बज गए, अभी तक बजा क्यों नहीं बताना? अरे देखा ना? हाँ देखा। ये गाना सुनने के बाद तो युद्ध पे जाने वाला इंसान भी सो जाएगा। अभी तो बहुत रात हो गई, गुरुजी पता नहीं फोन उठाएंगे कि नहीं। वो तेरा फोन क्यों उठाएंगे यार, तूने उनकी फोटो संभाल कर रखी है ना, तूने जो पैसे दिए ना वो भी तेरी फोटो संभाल कर रखे होंगे। सुब्बू जब तक भरोसा करोगे मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम्हारे भरोसे ही तो मैं ऑलरेडी 2 घर और 3 फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही तुम मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखोगे तो मैं 3रा घर और 4थी फैमिली भी मेंटेन कर लूंगा। तुम साथ देते रहो, मैं इसी तरह मेंटेन करता रहूंगा। तुम ऐसे ही भरोसा करते रहो बेवकूफ। सुब्बू अमेरिका से सुब्बू है। अमेरिका से? हेलो गुरुजी, मैं सुब्बू बोल रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद तूने फोन किया है, मतलब तू बहुत कष्ट में है। आप भगवान हो गुरुजी। भगवान 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 ऐसे कितनी बार बोलेगा, कोई समस्या है तो वो बताना। गुरुजी उस दिन आपने जो नींबू भेजा था वो सूख गया गुरुजी। नींबू सूख गया, ऐसा हो गया क्या? हाँ गुरुजी। ओ रालन, 3 साल की कड़ी तपस्या के बाद जो मैंने नींबू तैयार किया उसे मैंने तुम्हारे लिए अमेरिका भेजा और वो सूख गया। कुछ तो अनर्थ होने वाला है चले। हाँ बोल चले। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? तेरा डर मिटाने के लिए तो मुझे कुछ उपाय करना ही पड़ेगा ना। मेरे अकाउंट में $3,00,000 ट्रांसफर कर दे, उन पैसों से मैं तेरी समस्या का हल कर दूंगा। गुरुजी पैसे की चिंता मत करना आप। मतलब भेजोगे या नहीं? 15 मिनट में भेजता हूँ। वेरी गुड, लेकिन एक बात सुनो, इस समस्या का हल निकलने में 5 दिन लग जाएंगे। इन पूरे 5 दिन तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना। कैसे गुरुजी? पूरब में खाना खाऊंगा, उत्तर में रहना रहूंगा, दक्षिण दिशा में बिल्कुल मत जाना। हाँ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। दक्षिणा को बिल्कुल मत भूलना। दक्षिण मतलब बैंक का रास्ता, बैंक जाके ट्रांसफर करना है ना। ठीक है गुरुजी, तब तक के लिए कोई मंत्र बता दीजिए, मैं जपता रहूंगा। अरे कितनी बार तुझे नया मंत्र बताऊं मैं, हर बार तेरे लिए मुझे नया मंत्र खोजना पड़ता है। चल ठीक है, ये मंत्र याद कर, ओम वीरांजनेय नमः। अब बोल। ओम वीरांजनेय, आसानी से बोल सको ऐसा मंत्र बताइए ना गुरुजी। अरे मंत्र मैंने थोड़ी लिखा है, इसका कॉपीराइट राइटर के पास है। जो मंत्र सिखाया उसे बोलना शुरू कर दे। सॉरी गुरुजी, चलता हूँ। कहाँ चल दिया? सीधा बैंक जा। हाँ अभी जा रहा हूँ। क्यों रे, बैंक जा रहा है? तुझे कैसे पता? तू अपने गुरुजी से बात करने के बाद बैंक ही तो जाता है। इस बार कितना? 3 लाख। बेचारा, लगता है तेरा गुरु तुझे लूट कर ही मानेगा। मतलब तुम्हें लगता हो मेरा पैसा खा रहे हैं? नहीं, गटक रहा है। अंधा हो जाएगा यार अगर उनपे शक किया तो। छी छी, शक नहीं है, कंफर्मेशन निकल कर रहेगा। गुरुजी इन 3 लाख का क्या करेंगे? तू इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा है रे? क्या करेंगे ये क्यों पूछ रहा है? पूजा में खर्चा नहीं होता है क्या? मैं सोच रहा था कि आप करने जा रहे हैं। 3रा घर या 4थी फैमिली? अभी नहीं बताऊंगा, जब तक काम नहीं होता। अंडा मत फोड़। अरेंज करता हूँ। क्या? पागल हो गया क्या? तू ऐसी किताबें पढ़ता ही क्यों है जिससे डर लगे तुझे? तू भी ना सुब्बू की तरह बन गया है। हाँ, जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ोगे वहाँ हनुमान जी होंगे। हाँ, तो फिर? जहाँ यहाँ तुलसी दलम पढ़ोगे यहाँ पर भूत होंगे, ऐसा सुब्बू ने बताया था। दोनों पागल हो, भूत ना आए इसलिए हवन करने की तैयारी कर रहा है। सच में? वो तो फायर ब्रिगेड आने से पहले मैंने उसे रोक दिया। हाँ। वैसे भी किताबों में सिर्फ भूतों के बारे में लिखा जाता है, इसमें से कोई बाहर नहीं निकलने वाला। चल चल। छोटी बच्ची न्यूयॉर्क में किडनैपिंग की शिकार हो गई है। अमेरिका में बढ़ते किडनैपिंग का शिकार बने एक और भारतीय परिवार। बच्ची की तलाश करने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस के साथ है इंडियन एनजीओ। सुबह का न्यूज देखा क्या तुम लोगों ने? इतनी छोटी बच्ची को कोई किडनैप कैसे कर सकता है? सात्विक, ये यहाँ पर कॉमन है। टेक इट इजी, इतना टेंशन क्यों ले रहे? क्या कहा? इजी? उस बच्ची की जगह तेरी बेटी होती तो तब भी तू ऐसी ही बातें करता क्या? हाउ कैन यू से दैट? सात्विक बी कूल, हमें भी दुख होता है, वैसे तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं बस इतना चाहता हूं कि स्वाति को कुछ ना हो, और कुछ नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। किडनैपिंग में मौत की शिकार होने वाली 2 साल की बच्ची स्वाति, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, उस प्यारी बच्ची स्वाति की किडनैपर्स ने हत्या कर दी। अब उस बच्ची स्वाति के माता पिता को संभालना मुश्किल हो रहा है। उनके जानने वालों का कहना है कि वो बच्ची बहुत ही चंचल और समझदार थी। Thank you.
स्वाति की हत्या होने के बाद इसकी यही हालत है। इसने दो दिन से खाना भी नहीं खाया। बच्चे पसंद है मतलब? इतना अपसेट हो जाएगा? ये उसकी कुंडली का प्रभाव है, इसका बुरा समय शुरू हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बस करोगे प्लीज, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ ना। ये क्या है सात्विक, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? अगर कोई बच्चा मर गया है तो तुम खाना पीना छोड़ दोगे? और ऐसे कमरे में अकेले तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे। बेचारी, वो तो मासूम थी, इतनी छोटी बच्ची को मार दिया निशा। छोटी बच्ची, ये सुनकर बहुत इरिटेट हो गई हूँ। तुम्हें देखकर डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सॉरी यार, मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ, तुम पूरी तरह मेरे हो जाओ ये मेरा स्वार्थ है, तुम्हारे दिल में बस मैं रहूं ये स्वार्थ है। इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे प्यार के अलावा। ये थोड़ा कम हुआ तो सह नहीं पाऊंगी। ऐसे अचानक से क्यों बुला लिया? अनीता को कुछ हुआ क्या? ऐसा क्यों, इतने टेंशन में फोन क्यों किया? अनीता रात भर सोई नहीं है यार, बहुत परेशान है। अनीता कहाँ है? यहाँ देखो, मैं यहाँ। आखिर हुआ क्या भाभी? कुछ नहीं हुआ, बस ड्यू डेट नजदीक आ गया है, रात भर सो नहीं पाई ना। पर ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन मेरे पति को चिंता होती रहती है। अभी कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। ज्यादा मत सोचो, इसके बारे में मैं एक बार गुरुजी से बात करके देखता हूँ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसने दोबारा शुरू कर दिया। हाँ सुबह बोल। वो मेरे फ्रेंड की वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको बताया था ना, आपने मंत्र वाला ताबीज भेजा था, याद आया? हाँ भिजवाया तो था। रात में लड़की सो नहीं पा रही है। इसका मतलब नींद नहीं आ रही, एक मिनट जरा होल्ड कर, मैं देखता हूँ। उनका बेडरूम कहाँ पर है? घर में ही है गुरु। घर में ही होगा ना, घर में नहीं तो क्या बाजार में बेडरूम होगा? फालतू की बात करता है, घर में बेडरूम की दिशा कौन सी है वो बता। ओ, नॉर्थ में। नॉर्थ तो फिर वहाँ नींद नहीं आने वाली। तो फिर कहाँ होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए क्या? साउथ में होगा तो पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। तो फिर ईस्ट में होना चाहिए क्या? ईस्ट में रख सकते हो, पर उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो फिर वेस्ट में रखे क्या? वेस्ट में रखोगे? हाँ। वेस्ट में रखोगे तो नौकरी चली जाएगी रे। तो फिर कहाँ रखूँ गुरुजी? वन सेकंड। हाँ ठीक है। क्या मैंने चारों दिशाओं के बारे में बता दिया? एक दिशा छोड़नी थी। बोलिए गुरुजी। चारों दिशाएं बता दी है ना, तो एक काम करो गुरुजी, सेंटर में रख लो। सेंटर मतलब हॉल है गुरुजी। वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे चारों दिशाओं के बीच में हॉल नहीं होगा क्या? ऐसे बोल रहे जैसे तुझे पता ही नहीं हो। उस घर में कितने लोग रहते हैं वैसे? दोनों ही रहते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड। नो, ऐसा नहीं हो सकता। उस घर में वो दो हैं, उनके अलावा दो और लोग रहते हैं, एक उस लड़की के पेट में जो बच्चा है, वो मिला के हो गए तीन, और उसके अलावा वहाँ पे एक भूत मंडरा रहा है। भूत? यस। अगर उसको वहाँ से नहीं हटाया गया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं पूजा करके मंत्र वाले दो ताबीज भिजवा देता हूँ। ठीक है गुरुजी। तुम एक दो तीन सब मिला के अगर बात करें तो एक काम करो, तुम मुझे 1,00,000 रुपए भिजवा दो। ठीक है गुरुजी। रिपोर्ट्स तो सारी ठीक है, नाइस। वैसे नाम क्या सोचा है? लड़का हुआ तो भावेश, लड़की हुई तो भाभी। दीपू क्या बोलता है? नाइस। अरे दीपू, मेरे गुरुजी ने बताया कि तेरे घर में भूत है। इस बार कितना मांगा है? 1,00,000 रुपए। तू सुधरेगा नहीं यार, मैं भूत की बात कर रहा हूँ और तू पैसों के लेके मजाक कर रहा है। चुप हो जा, दोबारा भूत प्रेत की बात की तो मार डालूंगा तुझे। मतलब तू कह रहा है कि यहाँ भूत नहीं है? सिर्फ यहाँ ही नहीं, सच कहूँ तो भूत होते ही नहीं है। सात्विक, ऐसा नहीं कह सकते यार, भूत तो होते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ होते हैं? शमशान में। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अबे कुछ नहीं होता है। मतलब भूत नहीं होता ऐसा तुम कह रहे हो? और क्या। तो फिर एक रात शमशान में सोकर दिखाओगे? हाँ, सो जाऊंगा। पक्का? पक्का। लगी शर्त? तो फिर हमारी तरफ से $2,000। हाँ ओके ठीक है, डन यार। हाँ हाँ डन। ए बस करो यार, टॉपिक सीरियस मत करो। सीरियस क्या यार, चाहे यहाँ सो या वहाँ बराबर ही है ना। यहाँ सोने के लिए बेड है, वहाँ सोने के लिए पत्थर है। अब बस कीजिए, सात्विक तुम पागल हो गए हो। ए सुनो, सात्विक को अगर रुकसाया तो आई एम गोना किल यू। तुम शांत रहो ना। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अकेला जाकर सोएगा तो शर्त होगी, तुम जाकर साथ में सोओगी तो फर्स्ट नाइट होगी। ए सात्विक, तू फालतूगिरी मत कर यार। डोंट वरी यार, मैं इस शर्त को जीत के रहूंगा और प्रूफ करूंगा कि भूत होते ही नहीं है। देखो ये वही जगह है जहाँ तुम्हें सोना है। ए, फिर से एक बार सोच ले भाई। बेटा तू ना $2,000 तैयार रखना। डॉलर्स की बात नहीं है यार, तेरे बारे में सोचकर चिंता हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। ऑल द बेस्ट। बाय यार। बाय। मॉर्निंग में मिलते हैं। अब चलते हैं सुबह।
कहाँ हो सारे? सुब्बू तू कहाँ है? ए रुक, अब क्या हुआ? देख तू अभी शमशान से आया ना, पैर धो क्या? पैर नहीं धुलूंगा तो बाहर भगा देगा तू। अरे सच बता, रात को तुझे वहाँ पर डर लगा कि नहीं? कैसा डर यार, मुझे कोई डर नहीं लगा। रात को तुझे नींबू दिया था वो कहाँ है? तूने जो नींबू दिया था ना उसे मैंने फेंक दिया। चल मेरे पैसे निकालना यार। ए, तेरे साथ शर्त लगाकर $2,000 का फटका। इसलिए मैंने कहा था मुझसे शर्त मत लगाना। वो सब ठीक है, वो रघु घर शिफ्ट कर रहा है, हम लोग उसकी हेल्प करने जा रहे हैं, वापस आने में लेट हो जाएगा, रात को तू सोया नहीं होगा, जाकर रेस्ट कर ले। चलो तू चल भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में तू शमशान में सोया था यार। वो सोया नहीं होगा, तेरे गुरु ने सपने में बताया क्या? चला। निशा, हे, तुम यहाँ कैसे? निशा, तुमसे एक जरूरी बात करना है। बात करना है तो मुमकिन नहीं है, पर अगर चुम्मा देना है तो आ जाओ। निशा, I'm serious। मैं भी serious हूँ। चुम्मा देना है तो ही मैं आऊँगी। निशा। ओके बाबा, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊँ। सीरियस क्यों? मुझसे शादी करना पॉसिबल नहीं है क्या? सीरियस है ना, तभी तो तुमसे बात करनी है। ओके ओके, बताओ प्रॉब्लम क्या है? पिछले दो दिनों से मेरे साथ अजीब हो रहा है, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई ताकत मुझे रोकती है, मुझे नींद नहीं आती है और ना ही भूख लगती है, किसी काम में भी मन नहीं लग रहा। ये बात? एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, पक्का बुखार है तुम्हें। क्यों, कॉमेडी कर रहा हूँ मैं? और नहीं तो क्या, देखो ऑफिस में काम करना होता है, किचन में खाना बनाना होता है, बाथरूम में नहाना होता है, बेडरूम में सोना होता है, यही सब होना चाहिए। ये सब छोड़कर अगर शमशान में सोओगे तो ऐसा ही लगेगा ना। उसका इन सब बातों से क्या संबंध? हाँ संबंध है, हम जहाँ रोज सोते हैं अगर वो बेडरूम बदल जाए तो हमें ठीक से नींद नहीं आती, और तुम अकेले शमशान में जाके सोते हो। देखो तुम भूत को नहीं मानते हो, ओके, डर तो लगता है ना? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। करेक्ट, ज्यादा डरने वाले लोग पहला डायलॉग तो यही बोलते हैं। यार मुझे सच में डर नहीं लगता। ठीक है ठीक है, सुबह को बता नहीं पाए क्या? वो नींबू मिर्ची गले में बांध देता। ओके मैं चलती हूँ। डरते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके ये सब भूल कर आराम से रेस्ट करो, ठीक है? मेरे पास एक खास टैबलेट है, लोगे क्या? कैसी टैबलेट? अभी कैसा लगा? टैबलेट ने काम किया ना? लग तो रहा है काम कर रहा है। एक और दो ना। हे, जब तबीयत खराब हो तो मेडिसिन जल्दी से ले लेना चाहिए। हाँ पर बार बार नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ये बताइए दोबारा टैबलेट लेने कब आऊँ? अच्छा वेट कीजिए, टैबलेट खुद पहुंच जाएगा। ओके आई लिव, बाय। निशा थोड़ी देर और रुक जाओ ना। इतने उतावले हो गए तो
थोड़ा सब्र करो। बाय। हीरो, क्या है सरप्राइज? क्या खाओगे? कुछ नहीं। ऑमलेट खाओगे क्या? अभी कुछ भी खाने का मूड नहीं है मेरा। जूस पियोगे क्या? तो टैबलेट दूँ क्या? नहीं। टैबलेट भी नहीं चाहिए? क्या हो गया तुम्हें? शकल बना के बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे? प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। मेरी प्रॉब्लम्स तुम्हें कॉमेडी लगती हैं। क्या हुआ सात्विक? वो निशा, समथिंग इज हैपनिंग टू मी। जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे साथ कुछ अजीब होता है। वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। कूल यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? हे कम ऑन, मैं कह रही हूँ कि यहाँ ये सोच के आया कि तुम मेरी बातें समझोगी। बहुत हो गया निशा। How can you say that? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं पागल ही हो गया हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। ओके, बाय। अरे तुम गलत समझ रहे हो। I didn't mean that. नहीं, तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो। Happy, हाँ? Hey, सात्विक, सात्विक। दोनों से मैं ऑफिस नहीं गया यार। छुट्टी है ना, प्रॉब्लम नहीं है यार। निशा का है, उठाता क्यों नहीं? तू चलाना है। जो लोग अकेले दम पर जीते हैं ना, उनको गलतफहमी जल्दी होती है। मुझे इसी बात का डर है कि तुम लोगों का झगड़ा कहीं बढ़कर बहुत आगे ना चला जाए। सात्विक, सात्विक, वहाँ कुछ है। मेरे रूम में कुछ घूम रहा है यार। तू पागल हो गया क्या? मैंने अपने रूम में कुछ देखा यार, मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ नहीं है, जाके सो जाना। यार चलना चलना, एक बार चल के देख ले यार। सच कुछ वहाँ पे कोई है? माँ का सब यार सच में घूम रहा है यार। ठीक है चल देखते हैं। प्लीज सर। हे, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं यार, यही बेड पर सोया हुआ था। पता नहीं कौन मेरे सीट में घुस रहा था। संभल के यार। रुक। गुरुजी, गुरुजी नमः, गुरुजी नमः, गुरुजी ओ, कुछ भी नहीं है यार, आके सो जा।
ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः। डॉलर्स फोकट में आते हैं क्या? मजाक में भी डर गया ना? ये पागल हो गया क्या? मजाक पे तूने तो सच में डरा दिया यार। तू भी ना। मजा आ गया यार। हैप्पी मजाक डे, हैप्पी मजाक डे। बापरे मतलब आप हिंदुस्तानी हैं। हाय, आई एम शांति। हाय, आई एम सात्विक। सात्विक, नाइस नेम। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नई लड़की से बात करते समय ये बोले बिना स्टार्ट नहीं करते क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने सच में कहीं आपको देखा है। आपको देख के दो बातों का एहसास हुआ, एक आप प्यार में है और दूसरा टेंशन में है। एम आई करेक्ट? शायद करेक्ट है आप। प्यार किससे करते हैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेंशन किस बात? दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है, बता नहीं सकते क्या? बताने जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर छोड़ दीजिए। छोड़ भी तो नहीं सकता, अब चली गई। चली गई कब? आपको देखते ही। अब सब ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अच्छा, आप भी नॉर्मल लड़कों की तरह ही बातें करते हैं। आपको पहले कहीं देखा है ऐसा कहा, नेक्स्ट मेरी हंसी अच्छी है ऐसा कहा, अब कहेंगे मेरी आवाज अच्छी है, नहीं, है ना? वो तो नहीं कहूंगा। व्हाई? मेरी आवाज अच्छी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड बातें बहुत अच्छी करती है, मैं उसकी बातों का दीवाना हूँ। अच्छा आपसे एक बात कहूँ? क्या है? आप हंसना मत प्लीज, जब मेरे साथ हो तो बिल्कुल मत हंसना। ओके। I'm sorry, मुझे हंसी आ गई। आपने मना किया तो और हंसी आ गई। Nice. सच में टाइम का पता ही नहीं चला। और बोलो तो और कौन कहता है पता है, दोनों के बीच की बातें खत्म होने के बाद भी और बात करने का मन करे तो वही कहता है और। सो देर हो रही है, चले क्या? और बाय। ओके बाय, सी यू। बाय। गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ तू रात भर कहाँ गायब था? वो निशा के पास था। क्यों? निशा के पास था तो तुझे प्रॉब्लम क्या है भाई? मैं तुझसे सच पूछ रहा हूँ, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू जब नहीं आया तो मैंने निशा को फोन किया। देख यार, गलती करने वाला हमेशा झूठ बोलता है। तूने क्या गलती की हम नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ गलत मत करना यही कहेंगे। अच्छा ये बता, इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? निशा के लिए ना? अभी ये सब छोड़ के बस कर यार, एक रात में घर नहीं आया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ए, हमने ज्यादा सोचा कम सोचा ये मायने नहीं रखता, लेकिन तू सही सोचेगा तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये क्यों बोल रहे हैं एक बार सोच कर देखना। अच्छा ये बता, इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? निशा के लिए ना? अब तू सिर्फ धोखा क्यों दे रहा है? हेलो, हाय निशा, आई एम सॉरी यार। क्यों, बिजी हो क्या? ओके ओके, शाम को 6 बजे ऑस्कर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हाँ ओके, सी यू देयर, बाय। Are you ready with the order, sir? I'm waiting for someone. Give me 5 minutes. All right. Have a good time. Thank you. Hi, Satvi. Hi, Shanti. आप? कैसे हो तुम? I'm fine. ऐसा लग रहा है जैसे किसी का वेट कर रहे हो। वो अपनी girlfriend का वेट कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं disturb नहीं करूँगा। अरे, not a problem. Please take your seat. Sure. Yeah. Thank you. It's okay. Hi,
सात्विक। हे, हाय निशा। बाय द वे, शी इज माय फ्रेंड शांति एंड शी इज माय गर्लफ्रेंड निशा। सिट। व्हाट? निशा बहुत ही गुस्से वाली है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। निशा निशा निशा, अरे बाप रे, बाप रे। ओ सुबू, सेल्फ को वहां से हटाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, अर्जेंट है। इंडिया में इसका एक गुरु है ना, वो फोन करके कुछ ना कुछ कहता है और ये हमें परेशान करता है। वास्तु है भाई, वास्तु करना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? निशा और उसको मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने ना, तो फिर ये सब क्यों करवा रहा है तू? उन्हें मिलना जितना इम्पोर्टेंट है ना, इसे ठीक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ आए हैं तो ठीक ही कर देते हैं। तो फिर एक काम कर, सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक, थोड़ा हल्का हो जाएगा तो आराम से खिसका देंगे। ठीक है? ठीक है। निकाल, तू उधर का निकाल, मैं इधर का निकालता हूँ। अनीता जल्दी कर, इसकी जरूरत नहीं, उसे बाहर फेंक सकते हैं ना। रुक जाओ, ये मेरी शादी की फोटो है, उठाओ। अच्छा, ये लो, ये लो, तुम्हारी शादी की फोटो है ना, बैठ कर आराम से देखो। अरे संभल के, मुझे दो। दीपू देखो, हमारी शादी की फोटो मुझे वहाँ सेल्फ में मिली। उस हादसे के बारे में अभी क्यों याद दिला रही हो अनीता? अच्छा, हमारी शादी हादसा है, अभी दिखाती हूँ। अनीता तुम इसे जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ, ये हमारी कलीग थी। एक्चुअली ये दूसरी टीम में काम करती थी। आई थिंक कंपनी एनिवर्सरी में हम एक बार मिले थे। मैं जानती हूँ, पर हम क्लोज नहीं थे। इसका नाम शांति है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पता है ना, इससे मैं हेलविन फेस्टिवल में मिला था। बहुत अच्छी लड़की है। मिली थी इससे? इससे कुछ दिन पहले तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? क्यों यार, परिचय नहीं हो सकता क्या? होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इससे मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। कैसे मर गई? मैं तो आजकल इससे रोज मिल रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ निशा, मैंने उस दिन शांति से तुम्हें भी मिलाया था ना। तुमने उस दिन शांति कहकर जब परिचय करवाया था तो बगल में कोई भी नहीं था। हाय निशा। हाय सात्विक। बाय द वे, शी इज माय फ्रेंड शांति एंड शी इज माय गर्लफ्रेंड निशा। यू प्लीज सिट। हे निशा, तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आया, इसलिए वहां से चली गई। मतलब शांति, शांति रिलैक्स सात्विक, चिंता मत करो। ये सब देख के लग रहा है Something is wrong. वो 2 साल पहले मर चुकी है, मरने के बाद वो तुमसे कैसे मिल सकती है? Hey, इस तरह की प्रॉब्लम को मेरे गुरुजी बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। Hey, पागलों जैसी बात मत करो, क्या पता है उसे? ये मामला बहुत गंभीर है यार, ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर तिलक ही सही है। हेलो। नमस्ते गुरुजी। हाँ सुबह, मेरे दोस्त सात्विक को एक आत्मा से मुलाकात हुई है। रुको, मेरी बात सुनो, वो मर्द की आत्मा ही है ना? नहीं गुरुजी, वो एक औरत की आत्मा है। अरे हाँ, मेरा मतलब वही रे, मर्द की आत्मा द्वारा भेजी गई औरत की आत्मा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे गुरुजी आत्मा से लड़के तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं हो रहे? वो यहाँ पर एक होस्ट लीडर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। होस्ट लीडर क्या मतलब? भूत भगाने वाला गुरुजी। इसे पहले दीपक मुझे वहाँ लेकर गया था, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। तू भी गया था क्या? हाँ। सुबह, दुनिया में कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा विश्वास मेरा घर चलाता है। गुरुजी क्या कहा? तू इधर उधर मत जा रहे सुबह। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा गुरुजी? सही है, इसी बात पे कायम रहना तो मैं भी कायम रहूंगा। तो फिर अभी क्या आदेश है? एक मिनट, मैं योग समाधि में जाकर इसके लिए क्या कर रहा है वो डिटेल में बताता हूँ। ओके। सुनिए ना, बीच में आ जाती, मुझे कमर बंद चाहिए। नेकलेस चाहिए? गले का कि कमर का? हेलो हेलो हेलो, मैं अभी अभी योग समाधि से बाहर आया हूँ सुबह। हाँ गुरुजी। वो मामूली पिशाच नहीं है रे, वो कामुक पिशाच है। मुझे भी लग रहा था। तेरे दोस्त पर उसका दिल आ गया है। बाप रे। उसका सामना करने के लिए मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली हिम्मत, मुझ में नहीं है। दूसरा भरोसा, आप पर है। तीसरा धन। धन मतलब पैसा ही है ना गुरुजी? पैसे का तू हमेशा ध्यान रखता है ना? ठीक है गुरुजी। तो बाकी मैं देख लूंगा ना। कितना भी खर्च हो टेंशन नहीं है गुरुजी, पर उन्हें घोष लीडर के पास जाने से कैसे रोकूं गुरुजी? अरे पगले सुब्बू, उन्हें जाने देना, वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन काम पूरा करने वाला तो मैं ही हूँ ना। अब तू क्या करेगा? अभी बैंक जाता हूँ गुरुजी। अब समझाना, बस इसी पॉइंट पे रहना, अब सीधा बैंक जाना।
आई लव यू सुब्बू, आई लव यू सुब्बू। तुझे नेकलेस चाहिए ना? ऊपर से नीचे फेंक दूंगा तुझे। ए राघव, ओ राघव। आप कुछ दिन पहले पूरी रात शमशान में सोए थे क्या? हाँ। उस दिन हॉलोवीन फेस्टिवल था, एक लड़की से मुलाकात हुई। हाँ। उस लड़की को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। ये बात तुम्हें कब पता चली? हाँ। कुछ बातें वो तुमसे कहने की कोशिश कर रही है और ये बात बिना तुमसे पूछे तुम्हारे वाइब्रेशन से मैं समझ गया। इसी वाइब्रेशन के द्वारा मैं उस आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आखिर वो इसके पास ही क्यों आई है सर? इंसान के मरने के बाद आत्मा बनने के कई सारे कारण होते हैं। वो किस कारण से इसके पास आई है ये पता लगाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। सर अगर वो मुझे दोबारा मिली तो? नहीं मिलेगी। ये पता चलने के बाद कि वो आत्मा है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं हो जाना है, किसी दूसरे रूप में वो तुम्हारे पास आ सकती है। थोड़ा संभल के रहना। अरे भाई। हाँ? जो कुछ हुआ था वो इसने कैसे बता दिया? अबे इसने खाक बताया है क्या? अगर मेरे गुरुजी होते तो जो होने वाला पहले ही बता देते। 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी बताया था ना, पता है तुझे? क्या हुआ था आखिर में? कुछ भी तो नहीं हुआ था। हाँ कुछ नहीं हुआ था, ये दुनिया खत्म नहीं हुई और हम लोग भी बच गए, एहसान मानो गुरुजी का। मैंने 2 लाख रुपए देके गुरुजी से हवन कराया था इसलिए दुनिया ये बच गई समझे। मुझे पता तुझे विश्वास नहीं होने वाला ना। तुम कुछ भी करो यार, पता नहीं क्यों मुझे उस तिलक को देखकर लगता है कि वो कुछ करने वाला नहीं है। अरे ये बात तुझे उनसे बोलना चाहिए था ना, एक भूत छोड़ देते। ऐसा वो नहीं कर पाएगा। ए, अपनी बकवास बंद करेगा सात्विक। ऐसे समय में दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ये सब भूल जाना चाहिए समझे। डॉक्टर तिलक सब कुछ ठीक कर देंगे समझे। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, एक बार मेरे गुरुजी के बारे में सोचना। अरे अगर दोबारा अपने गुरुजी का नाम लिया ना, मैं अभी का अभी इंडिया का टिकट करवाऊंगा और वहाँ जाकर उसका मर्डर करके आ जाऊंगा। हमारी मुसीबत खत्म। तुझे कितनी बार बताया समझ तो आने वाला नहीं, उन्हें मौत नहीं आती है। उसे मौत नहीं आ रही है और तेरे एटीएम की एक्सपायरी डेट नहीं आ रही है। चल ये पता चलने के बाद कि वो आत्मा है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हमें रिलैक्स नहीं हो जाना है, किसी दूसरे रूप में वो तुम्हारे पास आ सकती है। थोड़ा संभल के रहना। निशा तुम? I'm so sorry सात्विक, दीपक ने बताया डॉक्टर तिलक से मिले थे ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात बोलू, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बताओ कुछ खाया? मैंने अभी कुछ नहीं खाया। क्यों? तुम मेरे साथ रहो, बस इतना ही काफी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। Eat something ना? अभी नहीं खाऊंगा। तो फिर ऑमलेट खाओगे क्या? बाप रे, कितने दिनों के बाद हंसे हो। सुब्बू सुनो भाई, हमारा हीरो हंस रहा है। वो नहीं आएंगे, वो सब बाहर गए। अच्छा, घर में कोई भी नहीं है क्या? घर में कोई भी नहीं है क्या?
देखो ना, तुम्हारे दोस्त होंगे, जाकर देखो ना। अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ सर। इसका मतलब मैं सही हूँ। हाँ? You know what? तुम जहाँ भी जा रहे हो वो आत्मा तुम्हें फॉलो कर रही है। शांत होने के बजाय इस बार थोड़ी वॉयलेंट है, बी केयरफुल। अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। आई थिंक हमें एक बार मिलना चाहिए। भलाई इसी में है कि तुम एक बार आकर मुझसे मिलो। ओके, जितनी जल्दी हो आके मिलो। अभी अभी निकल रहे सर। बाय। निशा, 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 क्या हुआ तुम्हें? हेलो। हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? हे दीपक, हेलो सर। हाय, कैसे सर? वो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तभी तो तुम्हारे खतरे को मैंने भांप लिया। एंड अच्छी बात यह है कि मैं आत्मा तक पहुंच गया हूँ। 21st century में ये सब पे कैसे विश्वास करें सर? अच्छा, 21st century में आप सांस तो ले रहे हैं ना? 21st century में जब सांसें नहीं बदली तो मान्यता कैसे बदल गई? मतलब साइंस डेवलप हो गया है, ये मेरे दोस्त का कहना है। 30 सालों पहले कंप्यूटर क्या होता हमें पता नहीं था, और अभी कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। 30 सालों पहले हमने कभी सोचा था कि कंप्यूटर जैसा कुछ होगा? साइंस डेवलप हो गया ऐसा नहीं है, डेवलप हो रहा है ये कह सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी नजरों में महान साइंटिस्ट कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने 23 की उम्र में एक सेब को नीचे गिरते देखा और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। तो क्या 23 सालों तक उसने कुछ नीचे गिरते हुए नहीं देखा था? ये पृथ्वी जब से बनी है ग्रेविटेशन तब से है, एम आई राइट? न्यूटन नाम के व्यक्ति ने जब यह बात दुनिया को बताई तब सबको पता चली दैट साइंस। साइंस के साथ क्या प्रॉब्लम है पता है? साइंस प्रैक्टिकल पे विश्वास करता है। अंधेरा दूर करने के लिए लाइट इजाद करता है, यही है उसका प्रैक्टिकल। साइंस जिसे नहीं मानता उसका अस्तित्व ही नहीं है, यह गलत है। हमारे इर्द गिर्द आत्माएं हैं पर वो सिर्फ कुछ लोगों को ही नजर आती है। शांति तुम्हें क्यों फॉलो कर रही है मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक मैंने उसके साथ बहुत बार बात करने की कोशिश की लेकिन इन सबके बावजूद वो कुछ जवाब नहीं दे रही है। उसकी इस चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, वो क्या है ये पता लगाने तक लेट्स वेट एंड सी। ए ए, क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार। डॉक्टर तिलक ने जो कहा उसी के बारे में सोच रहा है क्या? कुछ नहीं होगा सात्विक, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। अनीता, शांति के बारे में कुछ डिटेल्स बताओ ना। उसने शादी अमेरिकन से की थी, उसका नाम रॉबर्ट था और जहाँ तक मैंने सुना था उसका हस्बैंड बहुत ही बुरा था। वो रोज शराब पी के आता था और झगड़े भी करता था। एक दिन बहुत पिया हुआ था और नशे में उसकी हत्या कर दी। ये मामला उस वक्त का बहुत बड़ा न्यूज भी बना हुआ था। उसने शांति की हत्या कर दी, उसके लिए जेल भी चला गया, तो वो शांति इसके पीछे क्यों पड़ी है? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। सात्विक, तुम एक बार अच्छी तरह से याद करो,
इस लड़की से तुम पहले कभी मिले थे क्या? लाइक यू नो स्कूल डेज या फिर कॉलेज में या फिर ऑफिस में देखा हो? नहीं अनीता, नो चांस। ए, मुझे तीन डाउट्स हैं यार। अरे तेरे पास ब्रेन है, यही विचित्र बात है। डाउट हो रहा है इसमें, क्या हैरानी है? चल बोलो बोलो। ए तू सच बता, तेरे फ्लैशबैक में शांति के साथ लव स्टोरी है ना? ये कभी उस लड़की से मिला नहीं और तू फ्लैशबैक में इसकी लव स्टोरी की कहानी बना रहा है। चल ठीक है, आगे बोल। शांति का जब मर्डर हुआ था तू कहाँ था? मैं कहाँ था ये तुझे नहीं बताया? मतलब गुरुजी ने कहा वो सही है तो इससे उसकी हत्या करवा कर अपना बदला लेना चाहती है। ये सही बात है, सैंपल के लिए इसे मार डालो, हमारी मुसीबत टल जाएगी। सही है, इसे मारना चाहिए। दीपू दर्द हो रहा है। अरे एम्बुलेंस को फोन करो दीपू। अरे जल्दी कर यार। हाँ करता हूँ, करता। हेलो हेलो, हाँ इमरजेंसी। आपके पति पर नहीं गई है। खुशी से चिल्लाऊंगा। तुम कितना भी चिल्लाओ यहाँ सुनने वाला कोई मैं नहीं होगा। इसलिए मेरा फायदा उठा रही हूँ। हाँ, रोमांटिक होगा इसलिए। अच्छा, अब तो देखना ही पड़ेगा। बात करते करते सो गई क्या तुम? कह रही थी कि मेरा रेप करेगी और देखो कैसे सो रही है। सात्विक सर, कहाँ हो? अभी अभी एक एक्सीडेंट हो गया सर। ओ, ओके। अभी तुम्हारे साथ कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड निशा सर। मुझसे मिल सकते हो क्या? हम दोनों अभी आए सर। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। आओ निशा। हाय सर। हाय, ये मेरी गर्लफ्रेंड निशा। हेलो सर। वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड? पार्डन मी। आपने सही सुना, थोड़ी देर बाहर वेट करेंगी क्या? प्लीज निशा, थोड़ी देर बाहर वेट कर लो ना। श्योर। सर आखिर ये हो क्या रहा है सर? सात्विक, पहले जैसा मुझे लगा था, आत्मा का टारगेट तुम नहीं हो, निशा। सर लेकिन ये आत्मा मुझे दिखाई देकर उसे टारगेट क्यों कर रही है? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके अंदर आते ही उसके बॉडी के वाइब्रेशंस समथिंग स्ट्रेंज। सर
उसे यहां बुला लो। ओके निशा कम इन। सॉरी मेरी बातें बुरी लगी हो तो। या हमारी बातें हो गई, अब आप लोग जा सकते हैं। ओके सर बाय। बाय सर। निशा अपना ध्यान रखना। चलो। थैंक यू सर। सात्विक उन्होंने मुझे पहली बार बाहर रुकने को क्यों कहा, फिर संभल कर रहने को क्यों कहा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही कह रहे थे। वो तो मुझे सामने से भी बोल सकते थे ना, लेकिन बाहर वेट करने के लिए क्यों कहा, अंदर तुमसे क्या कहा? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कूल। ये बात मेरे सामने भी तो कर सकते थे, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तुम्हें देखने के बाद वो सोच रहे होंगे कि अभी भी तुम एक छोटी बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें बाहर रुकने को कहा, क्या पता कुछ तुम तोड़ देती। मारूंगी आप। ओके बाय। एक घंटे में मैं आ जाऊंगा। वी विल वेटिंग फॉर यू। ओके निशा अपना ध्यान रखना। ओके बाय। सी यू। निशा क्या हुआ? निशा सात्विक क्या हुआ? निशा उस रूम में सर ये क्या हो रहा है? सर मैंने जो सोचा था वो सही है, कुछ भी हो जाए तुम दोनों को एक साथ रहना होगा। आई एम सॉरी, मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आत्मा बहुत पावरफुल है ये मुझे पता है। मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आज काफी दूर तक भाग लिया। क्यों भाई? हाँ सुब्बू कहाँ है? यहाँ क्यों होगा यार? अंदर क्या कर रहा है वो? हर रोज जो करता है वही पूजा। हे ठीक से सोच यार। क्या यार? डॉक्टर तिलक ने जो कहा निशा को अकेले घर पे रखना ठीक नहीं है। अभी की अभी सडनली कहाँ शिफ्ट करेंगे यार? कहीं और क्यों यार, हमारा घर है ना। क्यों भाई? सही है यार, सब लोग साथ में रहेंगे, निशा को जल्दी से शिफ्ट करो। आज शाम को ही ड्रॉप कर, ठीक है ना? ठीक है। ये भाई तू अपने हाथ से अच्छी चाय बना। हाँ, चल चलो। हमेशा से मैं अकेली रहती थी, मुझे इससे पहले किसी के घर रहने की आदत नहीं है, सब कुछ नया सा है सात्विक।
दीपक अनीता तुम्हारे लिए नए तो है नहीं, आई एम श्योर यू हैव अ गुड टाइम देयर। उनके घर में एक छोटी बच्ची भी है साथ में, यू नो ना आई डोंट लाइक इट, आई एम रियली वरीड यार। अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी, बी हैप्पी ओके। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑल इज वेल। हाय दीपक। अरे आओ लाओ बैग लो। हाय हाय। ओए लगेज फर्स्ट फ्लोर पे ले जाओ, ऑलरेडी रूम तैयार कर दिया है, तुम्हें पता है ना। हेलो। हाय। वी आर गोना हैव लॉट्स ऑफ। मेरी बच्ची सो रही है, हम कल सुबह आराम से बात करेंगे, तुम अभी रूम में चलो। चिंता मत कर, ये यहाँ सुरक्षित है। ओके। अच्छा तुम्हें खेलना है क्या? मम्मी के साथ खेलोगी ना? रो मत बेटी। चीची मेरी लाडली। ओहो हो हो। निशा कहाँ जा रही हो, बैठो ना। बच्ची रो रही है ना। हंसो, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा बच्चों का रोना कितना अच्छा होता है ना, है ना बेटा। निशा आंटी को कुछ भी नहीं पता। बस हो गया बेटा, हो गया। मैंने डायपर चेंज कर दिया है, अब मत रोना। रोना नहीं, आई एम गोइंग, बाय। इसे कचरे में डाल दो ना। अब ड्रेसअप करके आई हूँ ना, सॉरी, बाय। ओके बाय। बाय बोलो आंटी को, बाय बोलो बेटा, बाय। आपने निशा को अकेला छोड़ने के लिए मना किया था ना, इसीलिए हमने उसे अपने घर में बुला लिया। सर हमारे इंडिया के केरला में आत्माओं को शीशा में बंद कर देते हैं ना, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा करने से शांति मिलेगी क्या? आत्मा को अगर शांत करना है तो उसकी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी वो मुक्त हो पाएगी। लेकिन उसकी इच्छा है कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे चलेगा सर? यही तो कमाल की बात है, अगर आत्मा की इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें परेशान करती रहेगी, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। और रही बात इन दोनों की शादी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके सर, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सर। टेक केयर सात्विक। तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखे कितने दिन बीत गए थे। हाँ यार बहुत दिन हो गए। इस खुशी के मौके पर कुछ अच्छा प्लान करें यार, क्या बोलती हो अनीता? यस श्योर, हमने बात की थी ना, हम सब मिलकर इनकी शादी करवाएंगे। कर लो ना, हम सब है ना। हमारे साथ डॉक्टर तिलक भी तुम्हारी शादी करवाएंगे बोले थे ना, तो देर किस बात की है, हाँ कर लेना यार। कम ऑन निशा, से यस। हाँ कह दो, कम ऑन। ओके, हे, ओके, यस, यस, यस। गुरुजी, नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल अगले कहीं के, मैं 2050 तक भविष्य देखता हूँ, मेरे लिए क्या नया साल, तू बता क्या खास है, सब ठीक तो है? कहाँ ठीक है गुरुजी, हमारे सात्विक की शादी निशा के साथ करवाने के लिए घोष डीटर बहुत कोशिश कर रहा है। अमंगलम भूत तो भविष्यति होती। उसका क्या मतलब होता है गुरुजी? तुम्हें शब्दों का अर्थ जानने की क्या जरूरत है, शादी रुकवाना जरूरी है या नहीं है? मैंने भी यही सोचा था गुरुजी, लेकिन अब मैं क्या करूं? करना क्या है तुझे, एक ही काम करना, 4 लाख भेज दे मुझे। ठीक है गुरुजी। इस शादी को रुकवाने के लिए अब ये यज्ञ यंत्र मंत्र हवन ये सब काम नहीं करेंगे, युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेडी फॉर द फाइट। मुझे फाइटिंग नहीं आती गुरुजी, क्या करूं? मैं करूंगा। ऐसा है तो ओके गुरुजी। दीपक सर, ये शादी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शादी अचानक से होनी चाहिए और बिना किसी इंतजाम के। सर डेकोरेशंस लाइटिंग्स ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स रिश्तेदारों के अलावा बाहर का कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है सर। By the way, मैंने एक जगह देखी है, एक पुराना ओपन हॉल है, वो बुक करो। ओके सर। एक दिन पहले जाकर मैं उसका शुद्धिकरण करूंगा। सर हाँ बोलो। शादी के बाद रिसेप्शन रख सकते हैं क्या? शादी होने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेट सर। बस इस शादी के बारे में आत्मा को पता ना चलने पाए, सारी समस्या खत्म। उम्मीद है सब अच्छा होगा सर। हे हाँ, रिसेप्शन इसमें करें। ओके यार, तेरी शादी भी इसी में हुई थी ना, बहुत अच्छा है यार। लेकिन रिसेप्शन में सब कुछ हमारे ग्रुप का होना चाहिए। ओके,
हे दीपू, हमारे रिसेप्शन में मोहम्मद खान का डांस प्रोग्राम रखे तो कैसा रहेगा? मुंह तोड़ दूंगा। वैसे भी बैचलर पार्टी नहीं है ना, ये तो करने दो, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। भाई तू इतना क्यों बोलता है? अच्छा भाई, क्या पता यार, तू जो बोल रहा है वो सही है। प्रॉब्लम्स की वजह से बैचलर पार्टी नहीं दे पाए, इसलिए रिसेप्शन पे जम के पिएंगे हम लोग। यहाँ पर माइकल नाम का एक बड़ा स्टार है, माइकल को पार्टी में जरूर बुलाएंगे, वो मेरा दोस्त है ना। क्या पढ़ रहा है तू? और एक बात बताऊँ, अपने लिए वो कुछ भी करेगा, इधर ही पास में रहता है, जो चाहिए वो अरेंज कर देगा, बोल दो क्या? ए मुंह बंद कर, मेरे गुरुजी को पता चल गया ना तो डांटेंगे तुझे। तो अपने गुरु का राग अपना बंद करना है। ऐसा है तो तू मत आना, अगर ये पार्टी में आएगा ना तो सबका मूड खराब कर देगा। सही कहा ना राइट भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने तो पहले ही कहा था ये पापियों का पुण्य क्षेत्र है। अनीता, सारा सामान मुझ पे ही लाद दिया, कितना भारी है देखना भाई, संभाल के दुल्हन का सामान है। बाप रे कितना भारी है यार। हाँ यार, ये दुल्हन के लिए। थैंक यू भैया। ये दूल्हे के लिए। थैंक यू। थैंक्स। मुझे जरूरत नहीं है, खुद लेकर आ। ये दीपू के लिए। थैंक्स यार। ए, मेरे लिए? जाकर खुद बना, थोड़ा चाय पत्ती पानी और बना दिया होता, मेरे लिए भी बना कर लाना। कमाल की चाय बनाई है सच में, भी बहुत चाय सच में अच्छी बनी है। थैंक्स। अरे अरे, अचानक आग कैसे लग गई? क्या हो रहा है? क्या पता यार, पीछे रुक, मुझे क्या पता। शादी के कपड़ों को लेकर सभी परेशान हो रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं शादी ना रुक जाए। डोंट वरी, अब तुम लोग कोई भी काम मत करना, किसी अच्छे वेडिंग प्लानर को जिम्मेदारी सौंप दो, वो सब कुछ देख लेगा। मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते में हैं, मैं बताता हूँ। ओके बाय। ओके हेलो। हे सात्विक, हम तैयार हो गए हैं, वेन्यू की तरफ जा रहे हैं, तुम कहाँ हो? हे, हम पहले ही निकल चुके हैं, जल्दी आओ, वेडिंग प्लानर तेरा वेट कर रहा है। शादी के कपड़े और मेकअप वाले तैयार हैं। हे भाई, ए भाई, कहाँ जा रहा है बे? गाड़ी घुमा ना, जल्दी घुमा। ये कहाँ लेके आ गया? यहाँ कैसे लेकर आ गया मैं? हे भाई, हाँ क्या है यार ये सब? पता नहीं यार, शहर से बहुत दूर आ गए हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे, यहाँ पर कैसे आ गए हम लोग? वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। शे, हाँ ये क्या है भाई, ये सब क्या हो रहा है? हे हे हे, निशा, हे ये निशा, अरे निशा, खोलो इसे, निशा, हाँ खोल ना यार, जल्दी कर, निशा खोलो, खोलो निशा, निशा खोलो, निशा माता खोलो, निशा कुछ नहीं है, खोलो भारो भारो, खोलो, कोशिश करो, कोशिश करो, अंदर से खोलो, अंदर से निशा, कोशिश करो, अंदर से दरवाजा खोलो, अरे निशा सच में मैं हूँ, खोलो, जल्दी कर रहा है, क्या कर रहा है, खोल ले यार, निशा निशा माता खोलो, निशा साधुवी डोंट टच दीपा। पंडित जी, आपने जो मंगवाया था सब आ गया है ना? एक बार और देख लीजिए। जी पंडित जी, आ जाओ, कुछ चाहिए तो बताइए। आइए बैठिए। दीपक, ये धागा सबके हाथों में होना चाहिए, जाओ बांध दो। बैठो बैठो। निशा आइए, आराम से बैठिए। ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः। सब कुछ ठीक है ना? सुनो, इसे हाथ में बांध दो। सब कुछ अच्छा होगा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। दीपक, पंडित जी को भी एक दे दो। ये लीजिए पंडित जी।
पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। सुनो निशा, दो बार जल ले लेना। ओहो, शांत हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। देखो हम शादी में आए हैं। अनीता, क्या हुआ बच्ची को? पता नहीं, क्या हो गया? बच्ची क्यों रो रही है? चुप हो जाओ। क्या हुआ बेटा? ये क्या? बच्ची के हाथ में धागा क्यों नहीं है? नहीं बांधा सर। बांधने के लिए बोला था ना? जरूरत नहीं समझे। मैंने बोला था सबके हाथों में होना चाहिए। क्यों भाभी, बच्ची को दूध पिलाया था ना? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। दीपक, एक बार देखो तो। चुप नहीं हो रही है भाई। दीपू देखो ना, बच्ची को दूध पिलाया था कि नहीं? समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही है, पता नहीं अचानक से रोने लगी। दीपू, डॉक्टर के पास चले क्या? अनीता, इसे बांध दो। ला, बांध। मेरे गुरुजी को याद करके बांधो। अपनी रोई, हे भगवान। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। अनीता, ये धागा जल्दी से बच्ची के हाथ में बांधो। उसे कुछ शांति मिल गई है। इससे पहले जो गुस्सा था वो अब उसमें नहीं है, वो शांत है। तुम्हें अगर शांति मिल गई हो तो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तुम्हें सब देख सके इसलिए बाहर आओ, बाहर आओ। बताओ, तेरा और इसका क्या संबंध है? आखिर तू निशा को क्यों मारना चाहती है? जिस निशा को बच्चे पसंद नहीं है उसे मारकर शादी को रोकना चाहती थी मैं। निशा को बच्चे पसंद नहीं है तो इसकी शादी रोकने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुलसी, तुलसी, मेरी बच्ची, वो मेरी जिंदगी थी, वो मेरी खुशी थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी। सबके खिलाफ जाकर मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, लेकिन
लेकिन कुछ सालों के बाद ही हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। कैसे आ सकते हो? हमारा कल्चर अलग था। कैसे बाबू? ऊपर से उसकी बुरी आदतों की वजह से मुझे अपनी जिंदगी से नफरत सी हो गई थी। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन तुम्हारे जीने की वजह ढूंढी। स्टॉप स्टॉप। आई सेड स्टॉप टॉकिंग। शराब के नशे में उसने मुझे मारा है। Stop that! जब मैं तड़प रही थी तब वो मेरी परवाह किए बिना वहां से चला गया। उस वक्त मुझे बस इस बात का डर था कि मैं तुलसी से दूर हो जाऊंगी। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं सोचा। मेरी हत्या करने वाला वो राक्षस जेल चला गया। मेरी तुलसी अनाथ हो गई। मेरी तुलसी अनाथ हो गई। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ होते नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरी तुलसी का ठीक से ख्याल रखने वाले अच्छे माता पिता को मैंने ढूंढना शुरू किया। तब मेरी बेटी को बाप के रूप में बच्चों से इतना प्यार करने वाला सात्विक को मैंने ढूंढ लिया। तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम ऐसे कहते? स्वाति को कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी बच्ची को मार डाला। बच्चों के लिए पागलपन कैसा? पागल क्यों कह रही हो? छोटी बच्ची। इसीलिए शादी होने के बाद भी मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। लेकिन सात्विक जिस लड़की से शादी करने वाला था उसको बच्चे पसंद नहीं थे। बिछड़ने के बाद मैं दोनों को जुदा कर देना चाहती थी। मैंने निशा को मारने की कोशिश भी की लेकिन निशा ने आज इस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। बच्चों को जब तक करीब से नहीं देखा था तब तक बच्चों के प्रति मेरे दिल में कोई प्यार नहीं था। ये बात सच है। लेकिन भाविका की एक मुस्कान ने मेरे दिल को जीत लिया। कैंसर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन। अगर तुम मेरी तुलसी को गोद ले लो तो मैं यहां से चली जाऊंगी। हम ले लेंगे। माँ की कमी का एहसास मेरी तुलसी को कभी नहीं होना चाहिए। बस निशा, मेरी बच्ची भी खुश है। आंटी की शादी हो रही है बेटा। अब सात्विक की शादी आराम से हो जाएगी। मेरी कब होगी पता नहीं। थैंक्स फॉर ऑल योर कोऑपरेशन इन कंप्लीटिंग दिस प्रोसीजर। वी आर ग्लैड दैट यू आर अडॉप्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम आवर होम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हियर इज द बेबी। Hi Tulsi. Hi Tulsi. How are you? It's done. Wish you all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Hi, beta. Tulsi, I'm your dad. Tulsi, call me mama. शांति, तुम्हारे संकल्प में ममता थी, इसलिए ये शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाई। मां का सामना करने वाली शक्ति इस सृष्टि में नहीं है। उस शक्ति से तुम जीत गई। तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई और अब तुम्हें मोक्ष मिल गया। इस बात से मुझे खुशी हो रही है। मुझे भी मुक्ति चाहिए। मुझे भी मुक्ति चाहिए तिलक। प्लीज मुझे मुक्ति दिला दो।